तो आज हम लोग आंसर जानेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों का, जैसे कि क्या होता अगर इस जगह पर थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर होता, या फिर आयरन मैन के मार्क 85 और मार्क 50 आर्मर में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है। तो पहला सवाल है मार्क 50 वर्सेस मार्क 85 आर्मर। तो टोनी का मार्क 50 आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसका यूज करके वो डिफरेंट वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, जो कि इतने पावरफुल थे कि वो थैनोस का खून निकाल पाए थे। साथ ही टोनी ने अपने आर्मर का यूज करके एक ऐसा शील्ड क्रिएट किया था जिसने की पावर स्टोन के भी पावर को विथस्टैंड कर लिया था। और इस सूट के अंदर और भी बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि ये खुद को या फिर अपने होस्ट को हील कर सकती है, मिसाइल्स लॉन्च कर सकती है, अपने स्पीड को इंक्रीज कर सकती है। बट इस सूट के अपने कॉन्स भी हैं, जैसे कि इसकी नैनो टेक्नोलॉजी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये सूट अर्थ से बाहर जाने के बाद जार्विस से अपना कनेक्शन खो देता है, जिसके कारण टोनी इस सूट के बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस नहीं कर पाता है। और दूसरी तरफ है मार्क 85 आर्मर, जो कि बेस्ड है ब्लीडिंग एज नैनो टेक्नोलॉजी पर। तो ब्लीडिंग एज नाम सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ब्लीडिंग एज का सिंपली मतलब होता है कि वो चीज टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस है। तो इस सूट में वो हर चीज है जो कि मार्क 50 आर्मर में था, बट उससे ज्यादा एडवांस्ड। और इस सूट से टोनी ने उन खामियों को भी दूर किया जो कि मार्क 50 आर्मर में थे, जैसे कि इस सूट की नैनो टेक्नोलॉजी मार्क 50 से ज्यादा पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग थी। ये सूट जार्विस से डिसकनेक्टेड होने के बावजूद भी टोनी इस सूट के सारे फीचर्स को खुद एक्सेस कर सकता है। साथ ही इस सूट में कई नए फीचर्स भी हैं, जैसे कि ये सूट थॉर के लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने रिपल्सर से उसको मैग्नीफाई करके सामने वाले के ऊपर शूट कर सकता है। ये सूट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर अटैच कर सकता है, और ये सूट इतना ड्यूरेबल भी था कि ये इन्फिनिटी स्टोन के पावर को झेल पाया था। तो बेसिकली मार्क 85 आर्मर इज मोर एडवांस्ड एंड बेटर देन मार्क 50 आर्मर। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल के ऊपर, जो कि है अभी करेंटली एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कौन है। तो अभी बहुत सारे पावरफुल सुपर हीरोज हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, कैप्टन मार्वल, अमेरिका चैवेस। बट अगर सबसे पावरफुल की बात करें तो वो डेफिनेटली स्कारलेट विच है, क्योंकि इसने अनजाने में एक पूरे के पूरे टाउन के रियलिटी को ही चेंज कर दिया था, और उस हेक्स के अंदर वांडा विजन को भी वापस जिंदा कर पाई थी, और वो भी उसके माइंडस्टोन के साथ। और अभी करेंटली वांडा डार्क होल्ड के पन्ने पन्ने को चाटने के बाद स्कारलेट विच बन जाती है। उसने अकेले ही कमरताज में मौजूद सारे सॉसरर्स को हरा दिया था, जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग जैसे पावरफुल सॉसरर्स भी थे। और वांडा ने इल्यूमिनाटिस को तो ऐसा मारा कि उनके आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई थी। और मूवी के एंड में वांडा ने सिर्फ एक झटके में पूरे मल्टीवर्स से सारे डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी फीट है। और जिनको ये लगता है कि वांडा फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप थोड़ा इधर उधर निकल गए हो, क्योंकि डार्क होल्ड को चाटने के बाद वांडा फिजिकली भी बहुत ड्यूरेबल हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए आप इसी सीन को ले लीजिए, जहां पर जब वांडा मिरर डायमेंशन से बाहर आती है तो उसके बॉडी के ऊपर हर जगह कट्स लगे हुए हैं, यहां तक कि उसकी हड्डियां भी टूट चुकी है, बट वो खुद को कुछ ही सेकेंड्स में हील कर लेती है। और मूवी के एंड में वांडा ने अमेरिका चैवेस के पंचेस को सर्वाइव किया है, जो कि इतने पावरफुल हैं कि वो दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा खोल सकते हैं। हाँ, वांडा थॉर या फिर कैप्टन मार्वल जितनी ड्यूरेबल नहीं है, बट वो एक नॉर्मल ह्यूमन से तो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। वैसे एक और कैरेक्टर है जो कि जस्ट मे भी वांडा से ज्यादा पावरफुल हो सकती है, और वो है गौर की बेटी और थॉर की भतीजी यानी लव, जिसके पास स्वयं इटर्निटी की पावर्स है। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, जो कि है कि क्या होता अगर अपना तूफान का नेता कभी वकांडा में नहीं आता, तो क्या वकांडा में मौजूद सारे हीरोज मारे जाते। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वहां पर हल्क मौजूद था। हाँ, वो बात अलग है कि वो उस वक्त बाहर आना नहीं चाह रहा था, मगर जब वो देखता कि आउटराइडर्स हल्क बस्टर को तोड़कर ब्रूस को मार देंगे, तो मजबूरन उसको बाहर आना ही पड़ता। और अगर एक बार हल्क बाहर आ जाता
तो आउटराइडर्स को तो वो चींटियों की तरह मसल देता। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे और आखिरी सवाल पर, जो कि है क्या होता अगर इस सीन में स्टेफन वुल्फ और उसकी एक्स की जगह स्टॉर्म ब्रेकर और थॉर होता, तो क्या स्टॉर्म ब्रेकर का भी ये सेम हाल होता या फिर स्टॉर्म ब्रेकर सुपरमैन को कट कर देती। तो अब जिनको ये लगता है कि सुपरमैन इनविंसिबल है तो आपकी दिशा थोड़ी गलत है, क्योंकि नथिंग इज इनविंसिबल, नॉट इवन सुपरमैन। बस आपको उतना ताकत चाहिए कि आप सुपरमैन को हर्ट कर सको। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि जहाँ बुलेट्स क्रिप्टोनाइट के बिना बैटमैन के पंचेस और स्टेफन वुल्फ या फिर उसके एक्स में उतना ताकत नहीं था कि वो सुपरमैन को हर्ट कर सके, वहीं जनरल जॉर्ड के पंचेस, डूम्सडे के पंचेस और एक न्यूक्लियर मिसाइल में उतना ताकत था कि वो सुपरमैन को चोट पहुंचा सके। तो द मेन पॉइंट इज कि सामने वाले में कितना गुदा है, और थॉर के पास इतना गुदा है कि वो इस जगह पर सुपरमैन को कट कर देता, क्योंकि थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर से इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को ओवरपावर किया था, और इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल वेपन है, और इसके बाद भी स्टॉर्म ब्रेकर जाकर थैनोस के छतिया में अपना बतिया गाड़ देता है, और थैनोस खुद इतना ड्यूरेबल है कि उसने दो बार स्नैप को सर्वाइव किया था। तो हाँ, अगर इस जगह पर थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर होता तो वो सुपरमैन को कट कर देती। और अगर आपको ये रीजन भी सेटिस्फाई नहीं करती तो मेरे पास एक और आंसर है कि सुपरमैन इज वनरेबल टू मैजिक, और थॉर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों मैजिक पर काम करते हैं। और अगर आप अब भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मेरे पास एक और रीजन है। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि वंडर वुमन की तलवार स्टॉर्म ब्रेकर के कंपैरिजन में मैजिकली और फिजिकली दोनों वीक है, बट तब भी वंडर वुमन की तलवार डूम्सडे के साथ ये कर पाई थी, और मेरे हिसाब से डूम्सडे सुपरमैन से ज्यादा या फिर सुपरमैन जितना ही ड्यूरेबल है, क्योंकि सुपरमैन के पंचे से डूम्सडे को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। साथ ही डूम्सडे ने एक न्यूक मिसाइल के डायरेक्ट हिट को सर्वाइव किया था जो कि सुपरमैन को ऑलमोस्ट मार देती है। तो कंक्लूजन ये है कि वंडर वुमन की तलवार डूम्सडे को हर्ट कर सकती है, तो स्टॉर्म ब्रेकर भी डूम्सडे को हर्ट कर सकती है, और अगर स्टॉर्म ब्रेकर डूम्सडे को हर्ट कर सकती है तो सुपरमैन को क्यों नहीं। बाकी अगर आप अब भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसका मतलब कि आप सुपरमैन के फैन बॉय हो या फिर हमिद थॉर के फैन बॉय हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, जिसका आंसर हम अगली वीडियो में देने की कोशिश करेंगे।